हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन, वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टर लॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट हम लोगों को अच्छी देखने को मिली। एक साइडवेज मार्केट थी, एक रेंज के अंदर क्लोजिंग दी थी। अब हमें डिसाइड करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो किस लेवल तक जा सकती है, और अगर नीचे जाती है तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं, सारी बातें करते हैं आज की इस वीडियो में। आज मार्केट साइडवेज थी, बट कुछ स्टॉक्स हमारे रिडार में आए थे जो हमें लग रहे थे कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज उसकी भी बात करी जाएगी, कौन से स्टॉक्स के लिए। इसके अलावा मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी क्रैश वर्सेस करेक्शन से रिलेटेड, और हमें क्या इस डिप में बाय करना चाहिए या अभी भी वेट करना चाहिए। तो एक डेडिकेटेड वीडियो है और उस पर बहुत कुछ सिखाया है कि पूरे निफ्टी या ऑल ओवर द मार्केट के अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा चेकआउट करिएगा। एंड बहुत सारे लोगों ने जब वो वीडियोस देखे तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे थे, एंड उसमें एक पॉइंट है जो मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा जितने लोगों ने भी वो वीडियो देखी है, कि दे आर आस्किंग दैट कि सर, जो आपने उसमें टर्म बोला है कि क्या क्रैश आएगा नहीं आएगा, और आपकी बातों से लग रहा है कि क्रैश नहीं आएगा। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला कि अभी जिस लेवल पे है उस लेवल पे हम कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ क्रैश। आई एम नॉट सेइंग कि क्रैश आ चुका है, आई एम सेइंग कि अभी जो फॉल आई है इट्स नॉट अ क्रैश, इट्स अ करेक्शन। क्यों है वो पूरी इस वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर लेवल्स नीचे गिरते रहते हैं और इकोनॉमी के अंदर या वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, रिसेशन का और ज़्यादा डर लगता है, तो डेफिनेटली हम एज अ क्रैश इसको बोल सकते हैं अगर फॉल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आई बटन में ऊपर आपको दिख जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है, एंड ये पूरा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करा था उसी वीडियो पे, तो प्लीज़ मेक श्योर आप जाके चेक करना। सो एक बार ओपन कर लेते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम एज यू कैन सी इट हियर, एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था। एंड आफ्टर अ फॉल एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है अगर आप चेकआउट करोगे, लेट मी जस्ट शो यू। इस तरीके से एक रेंज बाउंड मार्केट थी एंड एग्जैक्टली एक ऐसा फॉल करा था, क्लियरली आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एक फॉल आया एंड इस फॉल के बाद यहाँ पर भी इसने एक रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट करी, एंड इस रेंज बाउंड मार्केट के बाद ब्रेक डाउन, अगेन एक रेंज बाउंड, अगेन एक ब्रेक डाउन, एंड अगेन एक रेंज के अंदर है। सो अभी इट्स अ क्लियर डाउन ट्रेंड हो रहा है एंड बहुत इजी वे पे नीचे जा रहा है। एक फॉल करता है, एक रेंज, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर होता है, अगेन एक ब्रेक डाउन दे देता है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो रिसेंटली अगर आप चेक करोगे तो जब तक इस रेंज के ऊपर ये नहीं निकलता और एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है, वी विल नॉट बाय आर थिंग। ठीक है, अब बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि इस रेंज के ऊपर निकलते ही हमें बाय करना है या कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप ये कैंडल देख रहे हैं ना, ये जो एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है, लेट मी जस्ट शो यू, ये आप बियरिश कैंडल देख रहे हैं, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज दिस लेवल, लेट मी जस्ट शो यू, दैट इज दिस लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो ना, तब तक हमें बाय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ना दो पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं अगर हमें यहाँ पर कोई ट्रेड लेना होगा निफ्टी के अंदर। क्या होते हैं सकते हैं आउटकम, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल लेट से कि ये ब्रेकआउट लेवल इस रेंज का लेवल है 15,385 का, लेट से कि ये कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, और वो कैंडल क्लोज होती है लेट से अराउंड 20 रुपये ऊपर, इस रेंज के 20 रुपये ऊपर होती है, तो वी कैन से दैट कि 15,410 पे क्लोजिंग दिखती है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट टारगेट, जहां पर वो एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, दैट शुड बी अराउंड 15,470 का। तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स ऊपर जाके हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। सो व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट स्टेप, हम एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं, हम एग्जैक्टली 15,400 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, एंड जो भी अप मूव मिल रही है 50, 40, 60 पॉइंट्स के, हम उसे कैप्चर करके 5 मिनट्स के अंदर कोई भी बियरिश कैंडल बनाता है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड लेके। अब बात आती है कि हमें अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड चाहिए, यानी कि अगर हम मान के चलते हैं लेट्स से कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस एंड द सेकंड टारगेट शुड बी दिस। क्यों, एक बार यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो बहुत देख सकते हो कि अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है। इस फॉल पर अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, सो एज यू कैन सी इट हियर कि ये एक रेंज है, जिस रेंज के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट कि एक फॉल आ सकता है। इट्स अ गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो 61.8%। अगर आपको फिबोनाची पता है तो आपको पता होगा ये कहता है इंपॉर्टेंट लेवल होता है। सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 15,470 एंड द नेक्स्ट हर्डल शुड बी 15,600 के आसपास। ठीक है, अब बात ये आती है क्या ये ऊपर जाएगा। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है, क्या ये ऊपर जाएगा, लेट्स से कि नहीं जाता। ठीक है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, कल भी ओपन होता है, लेट से कल एक गैप डाउन ओपन हो गया और इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, वी विल ट्रेड, नो वी विल नॉट ट्रेड। हम वेट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर निफ्टी टू क्लोज बिलो दिस लेवल इन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, और वी विल वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज अबव दिस रेंज विद इन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम।
ठीक है, 5 मिनट की कैंडल जरूर क्लोज होनी चाहिए, देन एंड देन ओनली वी विल ट्रेड इन बोथ ऑफ द साइड्स, वेदर इट विल गिव अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये नीचे जाता है सो व्हाट शुड बी द टारगेट्स। ठीक है, सो फॉर दैट वी विल गोना यूज अ फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। ठीक है, तो मैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज कर रहा हूं, दिस इज आर हाई, दिस इज आर रीसेंट लो एंड अगेन दैट। So the first target should be this. They see the ultimate target what I'm expecting is after this fall is this. Okay. But there are total 3 targets. So first target is this. That is, agar ye level kis level pe breakdown dega? Let's say 15,190 pe. So let's say agar 5 minutes ki candle close hoti hai, toh we can say that ki 15,180, 175 ke niche very closing deta hai. 5 minute ki candle close hoti hai. Hum apna ek shortcut trade initiate karenge. पहला टारगेट हमारा होगा 15,000 का, बट 15,000 एक साइकोलॉजिकली लेवल अगर हम चेक करें तो एक सपोर्ट बन सकता है। तो एग्जैक्टली क्या 15,000 को टेस्ट करेगा? नहीं, हमें थोड़ा साइकोलॉजी माइंडसेट के सोचना पड़ेगा। सो हम अपने फर्स्ट टारगेट को 15,000 नहीं रख के 15,030 या 40 रखेंगे। ठीक है, कि अगर उस लेवल से भी बाउंस करना चाह रहा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हो गया जो 15,000 लेवल टेस्ट नहीं करवाना चाहते, तो 15,040 या 35 से वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है टारगेट शुड बी 15,040। ये हमारा पहला स्कैल्पिंग का ट्रेड है। अगर ये कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन कर रहा है देन दीज आर द मल्टीपल लेवल्स जो हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि इस लेवल पे एक फॉल आया था एंड एक बार टेस्ट थ्योरी टेस्ट करके देखते हैं। तो ये लेवल से फॉल आया था, ये एक रेंज थी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये रेंज ड्रॉ करी, इसने क्या करा था, कंटिन्यूस एक फॉल आया, पहला टारगेट अचीव करा, सेकेंड टारगेट अचीव करा, थर्ड टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, एंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट के बीच में रेंज बाउंड हो रहा है। सो यस, वी कैन से दैट कि इन लेवल्स पे ये पॉज ले सकता है। सो देयर आर टू अपॉर्चुनिटीज, वेदर इट कैन बी ऑन अ बाय साइड और ऑन अ सेल साइड। ऑन अ बाय साइड हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। क्यों? रीजन बताता हूँ। आज की मार्केट से आपको बताइए, आज की मार्केट क्लोज थी। ठीक है, कोई ज्यादा सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। यूएस मार्केट से हम इंडल्ज नहीं हो सकते क्योंकि अभी हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे, हमारे माइंडसेट के अंदर क्या था और डाटा भी हमें वो शो कर रहा था। क्या कर रहा था कि अगर यूएस मार्केट फॉल कर रही है, अगर वहां कुछ चेंज हो रहा है, तो हमारी मार्केट उसे एग्जैक्टली गो थ्रू करके लेकर जा रही है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम मिरर रिफ्लेक्शन हमें अपनी मार्केट पे भी देखने को मिल रही है। तो हमने आज ये प्लानिंग थी, आज बेसिकली हमारे लिए मार्केट ने क्या अच्छी चीज करी, आज हमें बता दिया कि बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं या सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है। कैसे? यूएस की मार्केट आज क्लोज थी, तो यानी कि हम यूएस के मार्केट में कुछ भी होगा हमें फर्क नहीं पड़ेगा। आज के दिन हमारी मार्केट हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगी। क्या हुआ? ऊपर जाने की कोशिश करी, अगेन सेलर्स एंटर्ड, नीचे आया, अगेन बायर्स एंटर। दैट मींस कि मार्केट अभी भी वीक है। अगर एंट्री लेनी होती बायर्स को तो ऑलरेडी वी सॉ ना ब्रेकआउट, हम ब्रेकआउट अभी तक एक्सपेक्ट कर चुके होते। बट अगर ब्रेकआउट नहीं आया, दैट मींस कि अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर पेन है और जो बायर्स और सेलर्स हैं, जो हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, हमें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम बाय साइड मिले। फॉर दैट रीजन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर ब्रेकआउट होता है, येस फॉर सम डे वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग और मार्केट अच्छा खासा ऊपर चले गई, बट वी डोंट हैव टू बी फूल फॉर दैट। अगेन द सेलर्स कैन एंटर इन द मार्केट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। आप ऐसे हर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, अदरवाइज मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड लेना अगर इतना सिंपल होता तो हर बंदा पैसा कमा रहा होता। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा। सो ज्यादा मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट एट 15,200। तो डेफिनेटली अगर ब्रेकडाउन आएगा, मैं कब बाय करना है, 15,175 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। अदरवाइज देयर इज रेजिस्टेंस एट 15,500, हमें ऑलरेडी निकल जाना है। उससे पहले हमें निकल जाना है 15,470 पे, जो हमारा स्कैल्पिंग का एंट्री ट्रेड है। ठीक है, तो बेसिकली एक रेंज हमारे लिए सेट है जो पर हमें, जहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 15,200 पे, उसके नीचे हमें अपना स्टॉप, अपना ट्रेड एंट्री लेनी है। और जो 15,500 जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे हम निकल भी जाएंगे। तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। सो बैंक निफ्टी पे आई एम नॉट ज्यादा श्योर नहीं हूं मैं, तो लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन कॉल इट अ रेंज। ठीक है, बैंक निफ्टी रिसेंटली अभी एक ये रेंज डेवलप हुई थी, एज यू कैन सी इट हियर, एंड पास्ट पे आई एम नॉट सीइंग एनी रेंज। ठीक है, आई एम नॉट सीइंग एनी गुड रेंज। एक कंटिन्यूस छोटा छोटा डाउन ट्रेंड फॉल आया एंड इट्स अ वेरी गुड गैप डाउन, रेंज बाउंड एंड इट्स अ वेरी गुड गैप डाउन। ठीक है, फॉल हमें देखने को मिला।
अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन बैंक निफ्टी, बट इन सम स्टॉक्स वी कैन चेक. तो व्हाट वी कैन डू इज इफ वी हैव टू गो लॉन्ग वी विल लॉन्ग इन निफ्टी, इफ वी हैव टू गो ऑन शॉर्ट वी विल शॉर्ट इन बैंक निफ्टी. ठीक है, चलो लेट्स से कि मार्केट ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड नहीं ले सकते क्या उनके स्टॉक्स भी ले सकते हैं, एक बार थोरली एक बार स्टडी करके देखते हैं. सो ये बैंक्स के मैंने एक वॉच लिस्ट रखी हुई है, लेट्स मूव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी स्क्रॉल करेंगे, वी डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम. SBI इज ऑन आर सपोर्ट बट आई डोंट लाइक सपोर्ट लेवल्स, तो मैं यहाँ पर बाय नहीं दूंगा. ठीक है, PNB नो. ठीक है, यस HDFC बैंक वी कैन चेक बिकॉज इट्स बाउंड फ्रॉम इट्स सपोर्ट, बट अभी भी कोई एक मेजर लेवल नहीं आया जब पर हम एंट्री बना सकते हैं. ठीक है, ICICI बैंक नो, फेडरल बैंक बिल्कुल भी नहीं. लेट्स टेक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा. नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मोमेंटम इन एनी ऑफ दिस बैंक. ठीक है, तो आई विल नॉट सजेस्ट रादर देन HDFC. ठीक है, तो HDFC ऑलरेडी निफ्टी के अंदर भी है तो ये सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज और कोई सपोर्ट नहीं कर सकता. एक बार अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा, सो क्लियर बेसिस पर हमें देखने को मिल रहा है कि ऑन द पुट साइड द ओपन इंटरेस्ट इज वेरी शॉर्ट एंड ऑन द कॉल साइड द ओपन इंटरेस्ट इज आर वेरी हाई. 33,000 के अंदर हेवी है बट 33,000 थोड़ा दूर है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आई थिंक वहाँ हर्डल हो सकता है, इट्स नॉट अ पॉइंट, सो इसे हम भूल जाते हैं. बट 32,800 के अंदर यहाँ पर भी सिमिलर है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर भी हैवी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, सो दैट कुड बी द प्रॉब्लम. ठीक है, और 32,700 पे भी ओपन इंटरेस्ट है, दैट कुड बी द प्रॉब्लम. सो आई होप अब आपको एनालिसिस समझ में आ रही है. इट्स नॉट दैट अगर मार्केट अब शॉर्ट कवरिंग कर रही है तो वी हैव टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी. इफ यू लाइक बैंक निफ्टी आई विल गो ऑन लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक व्हेन यू एंटर द मार्केट. ठीक है, आपको कोई बायस नहीं होना कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स से रिलेटेड, कोई भी दूसरों की टिप्स या मार्केट के एनालिसिस से रिलेटेड. यू हैव टू जस्ट सी वॉट द मार्केट इज डूइंग राइट नाउ और आपको उसी तरीके से रिएक्ट करना है. ठीक है, सो ऑन एन ओपन इंटरेस्ट साइड एंड ऑन अ टेक्निकल फ्रंट दोनों सजेस्टिंग कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगी तो इट्स अ क्लियर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी एंड ऑन एन अपसाइड इट्स अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन निफ्टी. अब बात कर लेते हैं एक बार स्टॉक स्पेसिफिक्स के रिलेटेड. तो लेट मी ओपन माई फर्स्ट स्टॉक. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, देर इज अ रीजन. अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फ्रंट, ठीक है, आई एम फाइंडिंग दिस स्टॉक अ वेरी गुड ओके, बट अकॉर्डिंग टू द सेक्टर फ्रंट आई एम नॉट फाइंडिंग दिस स्टॉक अ वेरी गुड ओके. सो लेट मी जस्ट शो यू. ठीक है, एज यू कैन सी इट हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक दैट इट्स रेंजिंग इन अ वेरी कंसोलिडेशन फेज एंड आफ्टर दैट व्हाट इट डिड इज कि आप देख सकते हैं ये लेवल था. आप अगर यहाँ चेक करेंगे इट्स अ वेरी गुड डाउन कंटिन्यूस फेज डाउन ट्रेंड फेज and it take a very good support in this level. It started to move back up again. It created a double top. It take a very good resistance on its previous swing high. ठीक है, और वहाँ से वो नीचे आ गया. After that, again it created a double bottom and it started to move back up again. So let me open a 15 minutes time frame for you. On a 15 minutes time frame, as you can see it here, it's a very good resistance and after giving a breakout, it doesn't wait for the retest. ठीक है, it came for a retest, but it suddenly broke down that particular level. और after that आप यहाँ check कर सकते हैं finally on 20th of मतलब that means today it gave a breakout, it gave a retest and it started to go back up again. ठीक है, so yes, should we buy? Yes, definitely we can buy this particular stock. But at what level? ठीक है, तो price is trading at 2475 rupees. What we can do is अगर ये 74 we can say that अगर ये 2500 के level को cross करती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम. ठीक है, अगर ये 2500 के लेवल्स को क्रॉस करती है नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड दिस लेवल विच इज 2555 एंड द नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 2600 रुपीज. तो 50-50 पॉइंट्स के हम टू टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट वी नीड अ वेरी गुड क्लोजिंग अबव 2500 रुपीज. सो एज यू कैन सी इट हियर द वॉल्यूम राइजेज एट दिस पर्टिकुलर कैंडल ऑन अ ब्रेकआउट कैंडल और अच्छा फॉल था तो येस वी कैन एक्सपेक्ट ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है. After that, अगर आप चेक करोगे इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड रही है. सो इफ इट गोज ऑन अप और ब्रेकआउट होता है और ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देती है वॉल्यूम बार ऊपर होता है बट नॉट दैट हाई. इतना बड़ा हाई हमें वॉल्यूम का क्लोजिंग नहीं चाहिए, अदरवाइज देयर माइट बी सम एरर ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट कैन बी हैपन. ठीक है, रिमेंबर दैट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है
सो वी हैव टू फर्स्ट चेक द वॉल्यूम्स. अगर ये 20 एक्सपोनेंट मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वॉल्यूम है देन इट्स गुड, इट्स अ ग्रीन वॉल्यूम देन इट्स गुड, बट इट डन एंड शुड हैव टू बी दिस मच हाई, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अ फॉल्स ब्रेकआउट. सो नेक्स्ट स्टॉक इज अपोलो हॉस्पिटल. अपोलो हॉस्पिटल को एक बार चेक करते हैं एंड आई हैव सीन अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. एज यू कैन सी इट हियर, इट्स अ वेरी गुड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इट्स सो अ वेरी गुड क्लियर ब्रेकआउट. एज यू कैन सी इट हियर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, वॉल्यूम्स आर गुड एंड इस तरीके के वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिले, देन वॉल्यूम्स आर डिसेंट एंड इट गेव अ वेरी गुड प्रीटी डिसेंट ब्रेकआउट. सो येस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एक बार लेट मी ओपन अ 1 hour टाइम फ्रेम फॉर यू. And on a 1 hour time frame, as you can see it here, are at a very, very good fall. Now it started to go back up again. आप ये देख रहे हैं इस कैंडल का जो मिड पॉइंट था, एग्जैक्टली दिस. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस मिड पॉइंट फॉर यू. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कैंडल. एग्जैक्टली ऊपर गया, इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करा एंड ऑन निफ्टी आई ऑलरेडी सजेस्टेड यू कि वो हमारा एक फर्स्ट स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है जिस पर्टिकुलर बिग कैंडल का मिड 50 है. ठीक है, तो यू हैव टू एनालाइज एवरी सिचुएशन. एक कैंडल हम अपना टारगेट बता सकते हैं, वी डोंट हैव कि वी नीड टू मेक एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हमें सारे चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना है. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सिंगल कैंडल इज शोइंग अस. ठीक है, सो इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल. आई पर्सनली थिंक इफ दिस कैंडल वॉन्ट्स टू टेक अ सपोर्ट एट दिस लेवल, अगर बाय चांस कि हमारे लेवल पे नहीं आता, राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 3811 rupees. Let's say we will buy above 3815. बहुत सिंपल लेवल लेते हैं, 3815 के ऊपर buy करेंगे. So what should be the first target? The first target should be 3850 and 3875 rupees का. But let's say कि अगर कल एक इन छोटा सा नीचे खुलता है और नीचे जा रहा है, so what should be the buy level? Then we will wait for this particular stock to come down at this level 3752 and we will directly open a 5 minutes time frame and we'll just wait. कि अगर ये इस लेवल से बाउंस करता है, वील एंटर फॉर दिस टारगेट एंड दिस टारगेट. ठीक है, वी जस्ट हैव टू मेक एन अपॉर्चुनिटी. हमें नहीं पता कि ये, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं सक्सेसफुल होता, कोई बात नहीं, बट देर इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल इज दिस लेवल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एज वेल एज ऑन अ 5 minutes time frame. So we can enter at this level. Okay? We just have to find a very good opportunities, whether it can be on an upside or on a retest side. So our last stock is the Lal Path Lab. So let me open that as well for you. Yeah, so Dr. Lal Path Lab को अगर हम लोग study करें, so as you can see it here, let me open a 30 minutes time frame for you. Yeah, so let me just remove the volume also. Yeah, so as you can see it here, ये एक बहुत अच्छा level था, इस level पे एक अच्छा support था and after a breakdown it become a very good resistance and after a breakout it become very good support and after a breakout see similar pattern has been going. और जो resistance break होता है तो वो support बन जाता है, support break होता है तो वो resistance बन जाता है, ये continuous pattern है. But what we've seen so far is that कि जब भी resistance को break करके ऊपर जाता है, we've seen a very good momentum. ठीक है, तो सिमिलरली ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, इट्स अ प्रीटी गुड डिसेंट रेंज. अगर ये नीचे जाना भी प्रेफर नहीं कर रहा है, एज यू कैन सी इट हियर, ये नीचे भी नहीं जाना चाहता, सो ये एक रेंज बन चुकी है. अगर ये कल इस रेंज के ऊपर, दैट इज 2025 के ऊपर डॉक्टर लाल पैथ लैब निकलना स्टार्ट होता है, देन हिज टारगेट शुड बी 2065 to 2070 रुपीज. ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, अगर इस रेंज के ऊपर ही निकलता है, वी सीन अ 5 minutes और अ 3 minutes कैंडल क्लोज, तो वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक विद अ टारगेट ऑफ 2060 to 2070. ठीक है, और आई पर्सनली थिंक ये इसके ऊपर भी जा सकता है, बट वील वेट फॉर दिस लेवल एज वेल. ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी. मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, बट टू गेट अ ब्रीफ नॉलेज, ठीक है, यू कैन जस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी शो करी होगी. इसके अलावा डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम स्टार्टिंग टू मेक अ फाइनेंशियल रील्स जो आपको हेल्प कर सकती है थ्रू साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग. ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट दीज वीडियोज एज वेल टू एक्सप्रेस माई नॉलेज टू यू ऑल, और आप भी बहुत कुछ सीख पाए. थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है. If you are learning anything from my videos, 1% of my learning, so definitely please do let me know in the comment section. Have a very good day, guys. Bye bye. I'll meet you soon.